नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा, आज मैं आपके सामने एक आर्टिकल या पोस्ट लिखकर बताने वाला हूँ। ज़्यादातर यूज़र या सब्सक्राइबर मुझे पूछते हैं कि आप जॉब्स वेबसाइट में, जॉब की जो वेबसाइट है मेरी, उसमें आप आर्टिकल कहाँ से लाते हो, कैसे लिखते हो, कैसे SEO करना चाहिए प्रॉपर ताकि आपकी वेबसाइट से ज़्यादा आपको अर्निंग हो सके। और वेबसाइट में अर्निंग तभी होगी जब आपकी वेबसाइट में भर भर के ट्रैफिक आएगा, चाहे वह जॉब्स की हो, चाहे वह हेल्थ की हो, या कोई भी हो। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप भर भर के अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हो। कैसे आर्टिकल लिखना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं हमेशा की तरह प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर आपको बताते रहता हूँ, तो ये वीडियो भी मैं प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूँ। एक आर्टिकल आपके सामने पब्लिश करके बताने वाला हूँ कि मैं कैसे किसी दूसरी वेबसाइट से आर्टिकल लेता हूँ, क्योंकि गूगल में ऑलरेडी मतलब बहुत सारी वेबसाइट होती है और हम पूरे की पूरी आर्टिकल अपन खुद नहीं लिख पाते। तो कैसे दूसरी वेबसाइट से आप आर्टिकल लेकर उसको यूनिक बनाकर अपनी वेबसाइट में डालकर आप गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादातर यूट्यूब मुझे मतलब बदनाम भी करते हैं कि आप गलत गलत बताते हो, लेकिन आप खुद जानिए कि मैं कैसे आपको वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ, हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बताते रहता हूँ ताकि कोई आपको डाउट ना रह सके। ठीक है, तो ये वीडियो में भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक मिनट, ये एक गवर्नमेंट जॉब्स है की वेबसाइट है। मतलब मैंने सर्च किया यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात 2021। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट ओपन हुई, तो मैंने इसको ओपन किया। अब मैंने चूज़ किया अपना कीवर्ड, कीवर्ड इसने लिया हुआ है आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स 2021। ठीक है, तो मैं यही सेम कीवर्ड नहीं लूँगा, मैं लूँगा गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा इसको कॉपी किया हुआ है, ये सब कुछ पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर मैंने कॉपी किया हुआ है। मैं बताता हूँ अपनी वेबसाइट, ये मेरी indnaukri.com है। एक बार मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है indnaukri.com, इसमें मैं जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल डालते रहता हूँ। और ज़्यादातर लोग मुझे पूछे कि आप जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल कहाँ से लाते हो, तो मैं ऐसे ही लाता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात मैंने सर्च किया। ठीक है, तो ये वाला एक पोस्ट सबसे पहले आर्टिकल इसका आया, ये रिक्रूटमेंट डॉट गुरु का, तो इसको मैंने ओपन किया। ओपन करते ही मैंने इसमें से कॉपी किया है, आप देख सकते हो ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो indnaukri.com है। ठीक है, वर्डप्रेस मैंने ओपन किया है, इसमें मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉपर SEO कैसे करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आप उससे मैच कीजिएगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम दिखेगा आपको। लेकिन मैंने इसमें कुछ कुछ वर्ड इसमें चेंज करना अभी भी बाकी, मैं आपके सामने चेंज करके बताऊंगा। और इसका पैरेललिज्म मतलब जो डुप्लीकेट कंटेंट आपको चेक करना होता है, जो वेबसाइट है स्मॉल SEO टूल, इसमें मैं चेक करके भी बताऊंगा आपको कि मेरी वेब्स अभी जो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ उसमें कितना डुप्लीकेट कंटेंट है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, ये मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल इस वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है, देख लीजिएगा, ये पूरा टेबल भी मैंने कॉपी किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखिएगा। लेकिन पूरा कॉपी नहीं किया है, पूरा टेबल कॉपी नहीं किया हुआ है, थोड़ी सी पोस्ट मैंने कॉपी किया है ये इतनी। ठीक है, इसमें अभी भी आप देख सकते हो ये लिंक भी उनकी से, तो अभी मैं आपके सामने ये सब कुछ चेंज करके बताने वाला हूँ।
ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आप तो YouTube में देख रहे हो तो आगे बढ़ा के भी देख सकते हो, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, पूरा देखिएगा तभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये टेबल आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। ये देखिए, इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। तो इसका देखिएगा मेरी वेबसाइट में, ये इसरो का, ठीक है, पूरा का पूरा टेबल मैंने कॉपी किया है। लेकिन अभी कॉपी करके जस्ट आपको पब्लिश कर दोगे तो कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, और डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से आपका रैंक भी नहीं होगा। तो आपको इसको यूनिक बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें जो वर्ड है इसमें मैंने चेंज किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड अभी भी बाकी है। तो मैं देखिएगा लाइन बाय लाइन, यहाँ पर मैंने तो सबसे पहले अपना कीवर्ड चूज़ किया, गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात 2021, और इसने जो कीवर्ड लिया हुआ है गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स 2021, ठीक है। तो मैं इस कीवर्ड में नहीं, लेकिन इस कीवर्ड पे मैं रैंक करूँगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड मैंने स्टार्टिंग में रखा। अभी देखिएगा, जब भी आप पोस्ट लिखोगे तो आपको बारीकी से चेक करना है हर एक, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये जो पूरी लाइन है, इसमें आपको कुछ कुछ चेंजेस करना होगा, ठीक है। आप देखोगे कंप्लीट, मतलब लाइन बाय लाइन देखोगे तो इसमें चेंजेस, आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट लुकिंग फॉर गुजरात जॉब्स 2021 ऑफ ओजस, और इसमें जो लिखा है एस्पिरेंट लुकिंग फॉर द ओजस मारू गुजरात, ये मतलब पूरा का पूरा मैंने लाइन बाय लाइन चेक करके मतलब चेंजेस किया हुआ है। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको इसका चेक करके भी बताऊंगा कि कितना डुप्लीकेट कंटेंट मेरी वे इस पोस्ट में आने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ बताने वाला हूँ, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप पोस्ट लिखोगे 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये लगभग 5 लाइन हो गई, तो यहाँ पर आप एंटर मारिएगा तो सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है, भले ही वो जो बंदे ने जो भी लिखा हो कैसे भी लिखा हो, लेकिन आपको प्रॉपर इसको अच्छी तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है। 3 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बोल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसमें वर्ड चेंज कर दिया है, आप अपने हिसाब से हर एक लाइन, जैसे ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो इसमें आप कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही देखिएगा कि 5 लाइन हो गई, 5 लाइन का पैराग्राफ काफ़ी रैंक नहीं करेगा, इसलिए मैं ये 3 3 लाइन का कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये ओजस मारू गुजरात जॉब्स, ये उन्हीं का है, तो मारू गुजरात को हटा के आप ओजस जॉब्स 2021 कर सकते हो, ठीक है। ओजस भर्ती ये तो अपना ही है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आप, इसको बोल्ड कर देते, ठीक है। देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ तभी मैं मतलब रैंक कर पाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स या जॉब्स वेबसाइट यदि आप बनाओगे तो ऑलरेडी जॉब्स की जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी अच्छी जो वेबसाइट है वो रैंक की हुई है, उनको मतलब आपको पीछे करना है तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप जॉब्स वेबसाइट ज़रूर बनाइए, और इस वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वेबसाइट से काफ़ी अच्छी अर्निंग मिलती है। मारू गुजरात जो लिखा हुआ है तो इसमें गुजरात हटा, मारू को हटा के गुजरात कर सकते हो आप, एक बार ऐसे भी सर्च कर सकते हो आप, जैसे ये इस वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है तो इसमें शायद मारू गुजरात ज़्यादा होगा, तो मारू कहाँ कहाँ लिखा है उसमें से मारू को हटा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मारू करके उसकी वेबसाइट से मैंने कॉपी किया हुआ है, तो इसमें से मारू को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिक बनाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो, थोड़ी मेहनत लगती है। कोई भी आर्टिकल यदि आप खुद से लिखना बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे ऐसे करके तो आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी यहाँ पर भी मैं थोड़ा, 4 लाइन हो गई है तो थोड़ा एंटर मार देता हूँ, और मारू गुजरात को हटा देते, ठीक है।
अभी ज़्यादातर तो लोग मुझे पूछते हैं कि यदि आप किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करोगे तो आपको कॉपीराइट का कुछ आएगा, तो नहीं, ऐसा यदि आप कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा डुप्लीकेट तो है लेकिन मैंने पूरा चेंज किया हुआ है। अब अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा आपको कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका कंटेंट कितना कॉपी है और कितना यूनिक है, ठीक है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। ऐसे शायद ही कोई यूट्यूबर बताता है कि लाइव बताता है कि मैं कैसे आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट का नाम है, तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको लाइन बाय लाइन चेक करना है, ठीक है। टाइम तो लगता है, कोई भी एक पैराग्राफ मतलब अच्छी तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आपको बोल्ड कर देना है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी आपको हमेशा अपने आर्टिकल में डालना है, ठीक है। ये भी उसकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको इंटरनल लिंकिंग डाल सकते हो आप। इंटरनल लिंकिंग भी एक काफ़ी अहम रोल अदा करती है, तो ये इंटरनल लिंकिंग हो गई। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ये मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि वीडियो लगभग 30 मिनट का तो ही होगा ही, ठीक है। अभी मैंने ये पैराग्राफ पूरा मतलब चेंज कर दिया है, जहाँ पर मारू था सब कुछ हटा दिया है, ठीक है। अभी आपको टेबल टेबल मैंने पूरा का पूरा वहाँ से कॉपी किया है, जहाँ यहाँ पर उनकी लिंक भी है। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दूँगा, अनलिंक कर दूँगा, ठीक है। ये अनलिंक हो गई। अभी देखिएगा टेबल पूरा का पूरा सेम टू सेम है, तो मैं टेबल में क्या चेंज करूँगा, देखिए। अभी ये जॉब्स 55 जॉब्स ओपनिंग है, तो इसमें मैं 95 कर दूँगा, और इसमें 27,000 ये है, तो मैंने 27,100 कर दिया। 20,000 है, तो यहाँ पर मैं 10,000 कर देता हूँ। यहाँ 53 है, तो 153 कर देता हूँ, या 1,473 कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा आप मैं कैसे मतलब कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब मैं उल्टा सीधा कर रहा हूँ, मतलब डुप्लीकेट का एरर ना आवे इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंजेस करना होगा, ठीक है। अभी SBI रिक्रूटमेंट, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, SBI रिक्रूटमेंट की जगह में SBI जॉब्स कर सकते हो आप, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2021 लिख सकते हो आप। NTPC जॉब्स रिक्रूटमेंट ऐसे कर सकते हो आप। फसाई 2021 रिक्रूटमेंट लिख सकते हो आप। BSF रिक्रूटमेंट 2021 कर सकते हो आप। इनकम टैक्स को आप ऐसे लिख सकते हो आप। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट या पुलिस रिक्रूटमेंट आप लिख सकते हो। शेख की जिज्ञा में इसरो लिख सकते हो आप, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यहाँ पर आप शेख लिख सकते हो। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट लिख सकते हो आप। मतलब मेहनत लगती है, आप देख सकते हो, मेहनत तो करना पड़ेगा यदि आप कुछ अर्न करना चाहते हो ऑनलाइन,
कुछ कुछ आपको ऐसे ही मैंने ऊपर के पैराग्राफ में सब कुछ चेंज किया हुआ है, वर्ड का इंटरफेस किया हुआ है, इंटरचेंज किया है, किसी किसी वर्ड को मैंने मीनिंग चेंज किया हुआ है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो इसमें आप ये पूरा हटा के या फिर इतना हटा सकते हो आप, NTPC को रहने देते, इसको हटा देते, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जॉब्स कर सकते, हाई कोर्ट 2021 कर देता हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हटा देते। ठीक है, तो ये हो गया यूनिक टेबल पूरा। अभी यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग आप डाल सकते हो, तो जस्ट आपको कॉपी करना है, ये क्लिक करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोई पोस्ट इसरो रिक्रूटमेंट में डाला हो तो आ जाएगी, तो ये मैंने डाला हुआ है, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि इंटरनल लिंकिंग यदि आप चाहते हो अपनी वेबसाइट में अच्छा भर भर के ट्रैफिक, तो आपको इंटरनल लिंकिंग भर भर के डालनी होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको भी बोल्ड कर देते। ठीक है, इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसको भी कॉपी करके, मैंने ऑलरेडी इन सभी में एक एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट, तो ये फाइंड आउट करता है कि यदि इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट में कोई भी आपका आर्टिकल हो अपनी वेबसाइट में तो वो बता देता है। तो जस्ट इंटरनल लिंकिंग सिंपल होती है, BSF रिक्रूटमेंट, इसको कॉपी कर लेते और इसको पूरा को आपको इंटरनल लिंकिंग कर देना है। NTPC जॉब, इसको कॉपी कर लेते और पूरा का पूरा सिलेक्ट करके आपको इंटरनल लिंकिंग कर देना है। ठीक है, फसाई, इसको भी कॉपी कर सकते हो आप। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आपके पास तो टाइम होगा तो ज़रूर देखिएगा। मैं पूरा मतलब आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इसमें आपको इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है। देखते हैं, इसमें एक भी पोस्ट मेरी नहीं लिखी गई है, इसमें नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये वाला मैं कॉपी करके इसके ऊपर इंटरनल लिंकिंग में कर देता हूँ। सिमिलर होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग हमेशा सिमिलर होना चाहिए। इसमें तो होगा ही एक आध पोस्ट, ये हटा देते हैं। ये देखिए, इसमें नहीं होगा शायद, गुजरात हाई कोर्ट में होगा, मैंने लिखा हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग हमेशा सिमिलर होना चाहिए। जैसे SBI जॉब है, तो आपके पास ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिसमें SBI आपने मेंशन किया हो या SBI जॉब्स के बारे में लिखा हो। ठीक है, SBI PO पोस्ट, ठीक है, तो ये हो गया टेबल अपना अपना बोल सकते हो आप। और ये अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात 2021, तो इसमें भी आपको कुछ चेंजेस करना होगा। गुजरात पुलिस कमीशन सर्विस हटा देते, असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें अपन 600 कर देते, अपडेट सुन, अपडेट सुन को सुन अपडेट कर सकते हो आप, ऐसे आपको चेंजेस करना होगा। इसको भी इंटरनल लिंकिंग कर देते, गुजरात पुलिस
ठीक है, अभी ये टेबल भी अपना हो गया। अब ये टेबल में इंटरनल लिंकिंग उन्होंने किया हुआ है तो सबको हटा देते हैं, अपन अपनी इंटरनल लिंकिंग डालेंगे इसमें। ठीक है, सरकारी नौकरी इसको आप कॉपी करोगे, बोल्ड करोगे, इंटरनल लिंकिंग करोगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप आगे बढ़ा के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीडियो को थोड़ा अभी आगे कर लो, क्योंकि मैं ये इंटरनल लिंकिंग कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिएगा इसमें यदि आप कभी ये पोस्ट रैंक करेगी तो कितने सारे कीवर्ड पे रैंक करेगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बैंक जॉब, पुलिस जॉब, बैंक जॉब, रेलवे जॉब्स, इस तरीके से यदि आप अपनी पोस्ट लिखोगे तो आपकी पोस्ट ज़रूर रैंक करेगी गूगल में, मेरा ये वादा है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको लाइव बता रहा हूँ। मैं भी इतना ही टाइम लेता हूँ हर एक पोस्ट को लिखने में, तभी जाके रैंक होती है। कॉपी मैंने दूसरों से किया है, लेकिन कैसे मैं अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर रहा हूँ ये देखिएगा आप। ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि आप ब्लॉगर हो तो यूट्यूब में क्यों चैनल बनाया, तो मैं ये आपके लिए बनाया भैया, या आपको बता रहा हूँ मैं कि ऐसे आप मेहनत करोगे तो सक्सेस होगे। क्योंकि मैं 5-6 साल से मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए, मैं भी एक दिन ऐसा हो गया था, कोई मतलब रैंक नहीं हो रही थी कोई भी वेबसाइट, और आर्टिकल लिख लिख करता था, कुछ मुझे SEO नहीं आता था प्रॉपर, तो मैं लिख लिख करता था लेकिन कुछ भी मतलब ट्रैफिक नहीं मिलती थी, तो मैं मायूस हो गया था। और एक बार तो एक वेबसाइट को मैंने रिन्यू भी नहीं करवाया और वो पूरा का पूरा डोमेन मेरा एक्सपायर हो गया। तो यदि आप भी सही ब्लॉगर बनना चाहते हो तो मेरी मानिए, आप मुझसे सीखिए मैं कैसे SEO करता हूँ, ज़रूर आप एक दिन सक्सेस होगी। तो देखिएगा अभी मैंने पूरा पूरा आर्टिकल लिख कर तैयार कर दिया है, इसमें एक एक्सटर्नल लिंक भी आपको डालना होगा। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए मेरी एक दूसरी वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो इसमें मैं नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स तो ऑलरेडी मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, तो कोई दूसरे किसी कीवर्ड, ओजस, ओजस भर्ती में मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी वेबसाइट जो www.naukrijobsindent.com जो मेरी वेबसाइट है उसका डाल दिया लिंक, मतलब एक्सटर्नल लिंक भी हो गई, इंटरनल लिंक हो गई, एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई। अभी इंटरनल लिंकिंग आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, जितना अच्छा है, जितना ज़्यादा आप इंटरनल लिंकिंग करोगे उतना अच्छा है, लेकिन इंटरनल लिंकिंग हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पोस्ट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपने मतलब कहीं किसी पोस्ट में आपने मेंशन किया हो तो वो लिंक आप डालिएगा, ठीक है। अभी इसमें आपको एक इमेज डालनी होगी, आप देखिएगा इस पोस्ट में कोई इसने इमेज नहीं डाला है, ठीक है। आप इसमें इमेज डालोगे तो आप इससे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज बना कर रखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात 2021, सरकारी नौकरी 2021, तो यही वाला इमेज मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये canva.com में आप इजीली और फ्री तरीके से बना सकते हो, कुछ नहीं किया है मैंने, जस्ट एक इमेज यहाँ पर डाला हुआ है और ये पूरा का पूरा मैंने जैसे के वैसे उठा के रख दिया है।
सिंपल होता है, canva.com में रजिस्टर कीजिए, फ्री होता है और एकदम मस्त मस्त इमेज आप बना सकते हो। तो मैं इसमें ये इमेज यहाँ पर डालना चाहूँगा, अपलोड, और ये रही इमेज। और इसके इमेज का जो नेम होता है, इमेज का नाम गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात 2021, तो ये एक सेम कीवर्ड के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इमेज। अभी आपको क्या करना है, इमेज हो गया, आर्टिकल मैंने लिख दिया, अभी आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करके आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड को सर्च करना है। तो ये देखिएगा, ये वीडियो आया, कोई भी एक वीडियो को आपको ले लेना है, Grammarly helps you do this. कोई भी एक वीडियो का लिंक आपको अपनी वेबसाइट में डालना होगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा वीडियो के ऊपर, और कॉपी एम्बेड कोड, इससे कोई कॉपीराइट का नहीं आता, किसी की भी वीडियो को आप अपने आर्टिकल में डाल सकते हो। इसका ये मीनिंग है कि यदि यूज़र को कोई वीडियो देखना है तो वो वीडियो आपकी वेबसाइट के अंदर ही देखेगा, तो आपकी वेबसाइट का मतलब टाइम बढ़ेगा, कि यूज़र जैसे 5 मिनट की वीडियो आपकी वेबसाइट के अंदर ही देख रहा है, तो गूगल को पता चलेगा, सिग्नल जाएगा कि यूज़र आया 5 मिनट तक वो टिका। ठीक है, तो इससे बाउंस रेट जो है बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो कैसे डालना है आपको, कस्टम HTML, और वहाँ से वो एम्बेड कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। प्रीव्यू करके देख सकते हो आप, तो ये वीडियो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दिया, एक्सटर्नल लिंकिंग कर दिया, एक इमेज डाल दिया। अभी इमेज में आपको ऑल टेक्स्ट डालना है। ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि आपने जो कीवर्ड लिखा है उसको कॉपी करके आप इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, पोस्ट में जाइएगा, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी इसका SEO कैसे करना है। तो देखिएगा, मैं रैंक रैंक मैथ यूज़ करता हूँ, योस्ट SEO यूज़ नहीं करता हूँ, रैंक मैथ मैं यूज़ करता हूँ। तो रैंक मैथ में ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, और रैंक मैथ में एक अच्छी बात है कि इसमें 4 कीवर्ड आप डाल सकते हो। योस्ट में आप एक ही कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो, जबकि रैंक मैथ में आप 4 कीवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक ही कीवर्ड डाला है, 4 कीवर्ड के लिए आपको जाना होगा। मैंने जैसे कि इसमें से यूज़ किया था, इसने कौन सा यूज़ किया है कीवर्ड, गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स 2021, तो यही वाला मैं एक कीवर्ड इसमें डाल देता हूँ। तो ये एक कीवर्ड हो गया। अभी देखिएगा, इसमें ऐसे वर्ड ढूंढना है जो ज़्यादा बार रिपीट हुए होंगे, जैसे 12th पास गवर्नमेंट जॉब्स, आप देख सकते हो इसको Ctrl+F दबा के 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी आपको देखना है गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, आई थिंक 10 बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप कीवर्ड की तरह डाल दीजिए। तो ये 4 हो गए बस। ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ पे चेक कीजिएगा सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। तो मेरे आपको बता दिया कैसे SEO करना है। इसमें एक एरर बता रहा है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2, H2 में होना चाहिए फोकस कीवर्ड, तो ये फोकस कीवर्ड इसके अंदर है, तो इसको जस्ट H2 कर देता हूँ। देखिए ये गायब हो गया। ठीक है, अभी देखिएगा नीचे, डज नॉट कंटेंट पॉजिटिव, ये तो ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपने SEO करना है। ये प्रॉपर SEO करने की मेथड है। ठीक है, ऐसी मेथड से यदि आप करोगे प्रॉपर SEO, तो आपका पोस्ट ज़रूर रैंक करेगा। तो मैंने ये आपको बताया नहीं, इसमें आपने जो भी कीवर्ड रखा है वो यहाँ पर टाइटल में रखिएगा, परमानेंट मतलब परमा लिंक में भी आपको सेम कीवर्ड रखना है, और यहाँ पर
मेटा डेटा मैंने लिखा नहीं है, मेटा डेटा में भी स्टार्टिंग में आपको सेम कीवर्ड रखना है प्लस कॉलम करके। अभी इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें से आप कुछ भी अच्छा सा ढूंढ के आप डाल सकते हो। हो सके तो ऐसा कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स इन 2021 कॉपी कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए इन लोगों ने क्या यूज़ किया है, वही आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला शायद अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला मैंने उठाया और अपने मेटा में पेस्ट किया। तो इसमें देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स इन 2021 सरकारी नौकरी इन गुजरात, रिक्रूटमेंट 2021 सरकारी नौकरी एंड लेटेस्ट जॉब फाइंड हियर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेटा भी, तो आप देख सकते हो रैंक में तो मेरा 87 SEO परसेंटेज बता रहा है 100 में से, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। और इस तरीके से यदि आप अपनी पोस्ट लिखते हो तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। अभी इसमें आप एक काम करना एक और भूल गए हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स ये कीवर्ड है आपका, ये कीवर्ड को कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आपको कैप्शन में भी डाल देना है, ठीक है। जितने भी आपने टेबल या इमेज यूज़ किया है वहाँ पर कैप्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। 90 हो गया, 90% मैंने SEO इसका ऑन पेज SEO कर दिया है, और ऑफ पेज SEO की ज़रूरत नहीं होती। जो बोलते हैं लोग कि बैक लिंक बनाना चाहिए, बैक लिंक बनाना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई सोशल मीडिया में आपको शेयर करने की ज़रूरत है। यदि आपने प्रॉपर SEO करके अपना आर्टिकल डाला है तो गूगल को पता है, गूगल उसको ज़रूर रैंक करेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको इसको पब्लिश कर देना है, ये देखिएगा मैंने पब्लिश कर दिया है। जस्ट आपको कॉपी लिंक कर देना है, कॉपी लिंक करके इसमें आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इमेज को भी मैंने इसका इंटरनल लिंक दे दिया, ठीक है। इसको फिर से अपडेट कर देना है और जस्ट आपको अपनी आर्टिकल को देख लेना है कि कैसे क्या पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये देखिएगा मेरा आर्टिकल पूरा पब्लिश हो चुका है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अब इस पोस्ट में मैंने कितना, मतलब कितना मेरा डुप्लीकेट कंटेंट है। तो डुप्लीकेट कंटेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसमें जाइएगा आप स्माइल SEO टूल, या फिर गूगल में आप लिखिए, एक मिनट, डुप्लीकेट आर्टिकल चेकर लिखिए, तो ये सेकंड नंबर पे आ रही है वेबसाइट। ये कमाल की वेबसाइट है और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरी जो आर्टिकल है उसमें कितना मतलब डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है। तो ये दो पैराग्राफ मैंने इसमें पेस्ट किया, अभी और भी पेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ तक पूरा चेक नहीं कर सकते, इसमें लिमिट होती है लगभग 1000 वर्ड की, ठीक है। तो इतना मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरा कितना मतलब डुप्लीकेट है, ये खुद ही बता देगा। आप देखिएगा इसमें कितना डुप्लीकेट कंटेंट है जो आर्टिकल आपने पब्लिश किया है, तो वो बता देगा आपको कि कितने परसेंटेज आपका यूनिक है, कितना डुप्लीकेट है, ठीक है। देखते होप शो कि ज़्यादातर यूनिक ही होगा, देखिएगा। तो 15% आपका डुप्लीकेट है और 85% यूनिक है। तो गूगल हमेशा देखता है 70% के ऊपर यदि आपकी वेबसाइट में कंटेंट यूनिक है तो रैंक करेगा। हो सके तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको फाइंड आउट करके आप अपनी वेबसाइट से इस पैराग्राफ या इस लाइन को आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कंट्रोल वी करके कि कौन सा ये वाला जो लाइन है ये डुप्लीकेट है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप यदि आप अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिखोगे तो चाहे वो जॉब्स की हो,
हेल्थ की हो या कोई भी हो, जरूर रैंक करेगी। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया है। एक लाइक ज़रूर बनता है यदि आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखा हो तो, आपको कुछ तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। ज़्यादातर लोगों ने मुझे कल कमेंट किए कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हो, ज़रूर मुझे बताइए जॉब्स की पोस्ट कहाँ से लेते हो, गूगल में से, कैसे आप यूनिक बनाते हो, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप भी इस तरीके से यदि आप लिखोगे तो आप ज़रूर रैंक करोगे और अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।